हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। नॉर्मली आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है और आप बाहर विजिट नहीं कर पा रहे हैं आईब्रोज या फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए, तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है। तो बहुत सारे डीएम्स भी आए थे मुझे कि आप एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें आप दिखाएं कि आप फेशियल हेयर या आईब्रोज जो है वो किस तरह से घर पे ड्यूरिंग लॉकडाउन आप करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना क्वारंटीन सीरीज में इसको ऐड किया जाए। आई नो मैं जो तरीका अपनाऊंगी ज़रूरी नहीं है कि वैसा आप लोग भी कर पाएं, क्योंकि मैं जो टूल्स यूज़ करूंगी वो शायद आपके पास अवेलेबल ना हो, बट फिर भी मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करना चाह रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली मैं अपना फेशियल हेयर या आईब्रो इस ट्रिमर के ज़रिए करती हूँ। ये छोटा सा ट्रिमर है, आप देख रहे हैं इसमें ये ब्लेड, और इसमें आपको इस तरह की एक सिंगल बैटरी लगानी पड़ती है, और ये तकरीबन 2-3 महीने आराम से इस सिंगल बैटरी के से चल जाता है। तो इससे पहले मेरे पास ड्यूरेसेल की बैटरी थी जो काफ़ी दिन तक चली थी, और ये मैंने अभी नया लगाया है। आई डोंट नो ये कितने दिन तक चलेगा। तो और यहाँ से ये ऑन ऑफ का बटन है, और इसे मैं अपने फेशियल हेयर एज वेल एज आईब्रोज भी करती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ। तो जो मैं फेशियल हेयर रिमूव जो करती हूँ वो नॉर्मली इस साइड के होते हैं, और थोड़ा इस साइड का होता है, और आईब्रोज होती है। मेरी उतनी ज़्यादा फेस पे हेयर नहीं है तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं आती, और तकरीबन मैं अगर महीने 2-3 महीने भी ना करूं तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। बट मुझे करना ठीक लगता है, क्योंकि जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं एक स्मूथ प्लेन कैनवस की तरह वो काम करता है आपका फेस। अगर उस पर थोड़े बहुत भी फेशियल हेयर होते हैं तो वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा, वो एक पैची टाइप का लुक आएगा। तो इसको मैं इस तरह से करती हूँ कि सबसे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था कि वीट जो स्ट्राइप्स होती हैं वैक्सिंग स्ट्राइप्स, उसे आप किस तरह से कर सकते हैं, वो भी है मेरे पास, बट लॉकडाउन है बहुत किसी के पास नहीं होगा। आप चाहे तो वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक ऊपर में प्रोवाइड कर दूंगी। और इसको मैं किस तरह से करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको भी करने का सेम ही तरीका है, कोई भी आप एक लूज पाउडर ले ले, मैं ब्लू हेवन का ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ। जहाँ जहाँ पे आपको हेयर रिमूव करना है वहाँ पे पहले आप इसे अप्लाई कर ले, ताकि जितने भी जो फेशियल हेयर है वो ऑटोमेटिक खड़े हो जाएं और आपको आइडिया हो जाए कि उसको किस तरह से रिमूव करना है। दैट्स इट, इसको स्टार्ट करेंगे। और ऊपर की साइड पे आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, ये छोटे छोटे जो ब्लैक दिख रहे हैं वो हेयर है।
और ये जो छोटे छोटे रह गए हैं इनको मैं एक प्लकर की हेल्प से, ट्वीजर की हेल्प से निकाल लूंगी। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने अपना फेशियल हेयर और आईब्रोज घर पे ही किया है। अगर ये नहीं है तो अगर आपके पास वो ब्लेड इरेजर होता है आप उससे भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।